दोस्तों अक्सर हम टूटी चप्पल और पुरानी मटकी, वेस्ट नारियल का जो खोल होता है उसको फेंक देते हैं, तो आज इन्हीं से बनाने वाली हूँ मैं गार्डन में कुछ सुंदर सुंदर से जुगाड़, जिसको देखकर आप भी बोलेंगे कि वाओ कितना सुंदर है ये। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके के स्लीपर्स हैं जो मेरे घर में टूट गए थे। ये तो टूटे हुए नहीं है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो वीडियो मेरे से निकल गई थी। तो देखिए ये वाले जो स्लीपर्स हैं ये टूट गए थे, इनका मैंने ऊपर का जो हिस्सा है वो निकाल लिया है। तो देखिए मैंने इस पर किया है स्प्रे पेंट, और ये छोटे छोटे से डब्बे थे तो इन पर भी मैंने स्प्रे पेंट कर लिया है। आप ऑयल पेंट कर लीजिए ब्रश की सहायता से, जो भी आपके पास हैं, जो भी कलर आप करना चाहते हैं उसी कलर से। और ये कुछ टाई हैं जिसका यूज़ मैं इसमें करने वाली हूँ, बहुत ही आसान इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ परमानेंट मार्कर। अगर आप डायरेक्ट परमानेंट मार्कर से नहीं बनाना चाह रहे हैं इमोजी, तो आप पेंसिल से बना लीजिए, उससे आसान हो जाती है, और बाद में आप उस पर ये मार्कर यूज़ कर लीजिए। और अगर आप मार्कर से भी नहीं करना चाह रहे हैं तो आप ऑयल पेंट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, वो भी परमानेंट होता है। तो इस तरीके से पहले मैंने इसकी इमोजी बना ली है। जो भी आप इस पर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, फ्लावर्स बनाना चाहते हैं या कोई भी बर्ड्स बनाना चाहते हैं, तो कुछ भी आप इस पर बना सकते हैं जो भी आपके मन में है। इस तरीके के छोटे छोटे से हम ये जुगाड़ कर लेते हैं तो काफ़ी सुंदर लगता है हमारा गार्डन। और अब दूसरे वाला जो स्लीपर्स है उस पर भी मैं देखिए इस तरीके से इसको बना लूँगी। उसका फेस अलग है, इसका फेस अलग है, आप चाहें तो दोनों को एक जैसा बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने मोटा जो मार्कर होता है और बारीक वाला मार्कर दोनों का ही यूज़ किया है। और ये जो आप डब्बे देख रहे हैं ये छोटे छोटे से दवाई के डब्बे थे, इनमें मैंने ड्रेनेज होल किया है नीचे भी, और बराबर में मैंने दो होल किए हैं जहाँ पर मैं टाई का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि स्लीपर से डब्बे को मैं जॉइंट करूँगी। आप चाहें तो बोतल काट के भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये इस तरीके के डब्बे थे तो मैंने बोतल नहीं काटी है, तो आप यहाँ पर बोतल का भी यूज़ कर सकते हैं। और स्लीपर में मैंने ये निशान लगा लिया था, जिस तरीके से डब्बे में होल किए हैं उसी हिसाब से स्लीपर्स में नीचे देखिए मैंने निशान लगा लिया था, उसके वहाँ पर भी मैंने होल कर दिए हैं। ये पेचकस मैंने गैस में गर्म किया है और आसानी से होल हो जाते हैं इसी से। अब देखिए मैंने आइज़ बनाना शुरू किया है, क्योंकि आइज़ में काम बाकी था। दोस्तों अक्सर हम ऐसे ही फेंक देते हैं, चप्पल टूटती है, पहले मेरे यहाँ पर भी चप्पल टूटती थी तो मैं फेंक देती थी, लेकिन मैंने तीन से चार इस तरीके से बना रखे हैं जो चप्पल से DIY हैं, और बहुत सुंदर जुगाड़ बन जाता है हमारे गार्डन में, क्योंकि मार्केट से सभी चीज़ें नहीं खरीदी जाती हैं। छोटे छोटे से ये बहुत सुंदर लगते हैं, दीवार पर हैंग कीजिए आप इनको, या फिर गार्डन में रस्सी में हैंग कीजिए, कहीं पर भी आप इनको लटका सकते हैं। मैं वाइट कलर का यूज़ करूँगी आँखों के लिए। ये ऑयल पेंट है, क्योंकि वाइट मार्कर मैंने कभी यूज़ नहीं किया है और ना ही वो इस तरीके से चमक बनती है उससे करने में, क्योंकि पेंट जो होता है उसकी अलग बात होती है, उससे चमक आती है। तो छोटा छोटा सा जो काम है मैंने पेंट से कर लिया है। लिप्स पर भी मैंने रेड पेंट का यूज़ किया है। देखिए कुछ इस तरीके से ये बनके तैयार हो गए हैं, और अभी इसमें जो डब्बे हैं हमें फिक्स करने हैं, जॉइंट करने हैं, उनको करेंगे। तो डायरेक्ट देखिए इस तरीके से अगर मैं टाई घुसा रही हूँ तो नहीं जा रही है इसमें, क्योंकि ये रबड़ है बहुत मोटी, तो इस तरीके से नहीं जा रही है। अब ये बड़ी वाली जो सुई है मेरे पास उसकी सहायता से मैं इसमें डालूँगी तो आराम से चली जाएगी। आप भी इस तरीके से ये टाई अगर आप डाल रहे हैं, अगर तार डाल रहे हैं तो उसको भी आप देखिए, अगर जा रहा है अच्छे से तो ऐसे डाल दीजिए, वरना आप बड़ी जो सुई आती है उनसे डाल दीजिए। वैसे टाई मज़बूत होती है, तो मेरा तो यही कहना है कि आप टाई का यूज़ कीजिए, टाई काफ़ी मज़बूत होती है और लंबे समय तक चलती है। जो लोहे का तार हम यूज़ करते हैं वो समय के साथ गल जाता है, ख़राब हो जाता है, प्लास्टिक जल्दी से गलती नहीं है,
तो देखिए मैंने दोनों डब्बों को इसमें जॉइंट कर लिया है और ये बनके तैयार हो गए हैं। तो देखिए मैं डब्बों पर भी इमोजी बना लूँगी। आप चाहें तो इन पे फ्लावर्स बना सकते हैं या चाहें तो आप इन पे कोई भी डोल वगैरह का फेस बना सकते हैं। तो मैं तो सिंपल सी इमोजी बना रही हूँ, तो जल्दी से तैयार हो जाएंगी फटाफट से। इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, केवल 15 मिनट लगी हैं क्योंकि मैंने स्प्रे पेंट का यूज़ किया था, 5 मिनट में वो सूख गया था और 10 से 12 मिनट मुझे इस पे इमोजी बनाने में लगी। तो 15 मिनट मुझे लगी इसमें लगभग सूखने से अलग। आप इसमें कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, तो मैं इसमें स्पाइडर प्लांट लगाने वाली हूँ क्योंकि मैं रखूँगी इनको इंडोर। अक्सर दोस्तों हम इंडोर जो प्लांटर लाते हैं काफ़ी महंगे आते हैं, तो इस तरीके के कबाड़ से जुगाड़ करके आप इंडोर प्लांटर भी बना सकते हैं और आप उसमें प्लांट लगा सकते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। इस टाइम पे तो देखिए मेरे बाहर दीवार है गार्डन में, उस पर मैंने आपको हैंग करके दिखाया है, लेकिन मैं इनको अपने बरांडे में या फिर आप इसको किसी भी कहीं पे भी ड्राइंग रूम में रख लीजिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये हैंग हुए। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। एक मैंने लेडीज़ का फेस बनाया है और एक जेंट्स का फेस बनाया है। और इसी तरीके से देखिए एक जो इमोजी बनी हुई है डब्बे पे, वो एक जेंट्स का फेस है और दूसरा एक लेडीज़ का फेस है, तो दोनों के दो बच्चे हो गए हैं। तो मैंने तो इसी तरीके से बनाए हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं देखिए दोनों के बेबीज़। और अब देखिए ये मैंने वेस्ट मटकी जो होती हैं उन्हीं से मैंने कुछ जुगाड़ बनाया है, बहुत ही प्यारी लगने वाली हैं ये आगे जो सिंपल सी मटकी है। तो इनसे भी आप छोटे छोटे से पॉट बना सकते हैं, जो बड़ी मटकी है उसमें आप बड़े प्लांट लगा सकते हैं, जो छोटी मटकी है उसमें छोटे प्लांट लगा सकते हैं। मेरे पास ये कई सारी मटकी ऐसे ही वेस्ट पड़ी हुई थी काफ़ी दिनों से, तो मैंने सभी मटकियों पे पेंट कर लिया है। ये देखिए येलो कलर है, थोड़ा सूखने में टाइम लगता है जो हम ऑयल पेंट करते हैं उसमें। और इस पर कुछ ना कुछ मैं देखिए इस तरीके से ड्राइंग बना लूँगी। इस पर मैंने बनाए हैं फ्लावर्स, आप कुछ भी बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी से बनने वाले ये डिज़ाइन हैं। और अगर आप कुछ और बनाना चाहते हैं तो पहले इस पर आप ड्राइंग बना लें, उसके बाद आप इस पर कलर करें, जो आसानी से हो जाता है। क्योंकि अगर हम एक बार कलर से ही सीधा कर लेंगे इस पर कोई भी ड्राइंग बना लेंगे, तो फिर वो रिमूव होना मुश्किल हो जाता है। इस पर मैंने एक सिंपल सा और डिज़ाइन बनाया है, इस पर बनाऊँगी मैं फ्लावर्स। तो पहले मैंने चॉक की सहायता से इस पे फ्लावर्स बना लिए हैं। अगर आप इसकी कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है, एक्रेलिक कलर बहुत जल्दी से सूख जाते हैं और आपके प्लांटर जल्दी जल्दी से तैयार हो जाते हैं। ऑयल पेंट में थोड़ा समय लगता है, अगर आप ऑयल पेंट से बनाना चाहते हैं तो ऑयल पेंट से भी बना सकते हैं। इनमें जो आप मिट्टी डालें वो लाइट वेट ही डालें। तो देखिए मैंने लाइट वेट मिट्टी डाली है और इसमें लगा दी है मैंने कुछ प्लांट्स। उम्मीद करती हूँ दोस्तों अगर आपके घर में इस तरीके की मटकी निकलेंगी तो आप फेंकेंगे नहीं, इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। तो देखिए रखने के बाद कितनी सुंदर लग रही है, ये बहुत प्यारा लगता है। आप कुछ छोटा मिनी गार्डन बना सकते हैं, छोटे छोटे से प्लांट इनमें लगा सकते हैं, तो आपका गार्डन भी कलरफुल बन जाएगा। अब देखिए बिल्कुल बेकार जो होते हैं नारियल के खोल हैं, जो हम पानी पीने के बाद, नारियल पानी जो पीते हैं उनको पीने के बाद फेंक देते हैं, तो उन्हीं से मैं बनाऊंगी बहुत ही सुंदर से कुछ हैंगिंग पॉट। मेरे पास इस टाइम पर ये दो नारियल हैं, तो देखिए मैंने सूखने के लिए रख दिए थे, हफ्ते 10 दिन में ये सूख गए थे, एक को तकरीबन 2 महीने हो गए थे जो ज़्यादा सूखा हुआ है। देखिए मैंने इनमें साफ करके पेंट कर दिया है और इन पे यूज़ किया है मैंने ऑयल पेंट। एक कोट में अगर सफाई ना आए तो आप डबल कोट कर सकते हैं। सूखने के बाद इस तरीके से ये लग रहे हैं। अब इन पे मैं मार्कर की सहायता से ही इमोजी बनाऊंगी। हंसते मुस्कुराते चेहरे गार्डन में बहुत सुंदर लगते हैं, जब आपकी नज़र पड़ती है तो वाकई मन भी खुश हो जाता है। पौधों को देख के तो मन खुश होता ही है, लेकिन ये हंसते मुस्कुराते जो चेहरे होते हैं इनको देखकर मन और ज़्यादा खुश होता है, और जो कोई बाहर से आता है वो भी देखता रह जाता है। तो देखिए मेरा दावा है ये कि अगर आप नारियल पानी पी रहे होंगे तो
तो आप ज़रूर अपने साथ जो वेस्ट नारियल आपका बच गया है पानी पीने के बाद, उसको आप घर ज़रूर लाएंगे और इस तरीके के आप हैंगिंग प्लांटर ज़रूर बनाएंगे। बहुत जल्दी से तैयार होने वाली ये हैंगिंग प्लांटर हैं और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इसमें मैं जो रस्सी है वो देखिए वो नायलोन की है और ये काफ़ी मजबूत होती है, तो मैं ज़्यादातर इसी तरीके की रस्सी का यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में। इनमें डाल दी है मैंने रस्सी, क्योंकि रस्सी डालने के बाद आप इनको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही रखना चाह रहे हैं तो देखिए लुढ़क जाएंगे, क्योंकि नीचे से ये एक जैसे नहीं हैं, उबड़ खाबड़ से हैं, तो इनको आप हैंग ही कीजिए और लाइट वेट मिट्टी का ही यूज़ कीजिए। यहाँ पर भी मैं देखिए स्पाइडर प्लांट लगा रही हूँ, क्योंकि इनकी जड़ें ज़्यादा नहीं फैलती हैं और सैलो रूट होती हैं, तो आप इसी तरीके के प्लांट इसमें लगाइए अगर आप इस तरीके के प्लांटर बना रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इनको हैंग कर दिया है, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। आप इस तरीके के प्लांटर बनाकर तैयार कर सकते हैं, अपने गार्डन में फ्री का जुगाड़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।